ग्राम सभा की बैठक, सिटिंग ऑफ अ ग्राम सभा, इसी को सम्मेलन नहीं बोलना, सम्मेलन बोलेंगे, क्या बोलते हैं अपन, सम्मेलन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 माह में, कल बताया था 3 माह में एक बैठक, एक बार बैठक जरूरी है। क्वेश्चन पूछेगा ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, 3 महीना, 3 महीने में बैठना नहीं है, ठीक है। सबको बैठने का मन होता है, इनको भी होगा। इसके पश्चात याद रखना है एक वर्ष में 6 बैठक आवश्यक होती है। कितनी बैठकें आवश्यक है, कल आपको बता चुका था डेट के साथ, जनवरी महीने में 23 जनवरी, क्या है इस दिन, ठीक। दूसरा आपको बताया था अप्रैल महीने में 14 अप्रैल, तीसरा आपको बताया था क्या, 20 अगस्त, ठीक। इसके बाद चौथा डेट आपको बताया था 2 अक्टूबर। ये 4 डेट के साथ याद रखना है, इसमें से एक अलग से कोई भी डेट देगा और बोलेगा इनमें से किस तारीख को ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती, या तो यही चारों देगा, इनमें से एक सही है, दो सही है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन और अलग से बनाएगा, ठीक। इसके पश्चात 5वां बैठक जून महीने में, किसी भी सुझाए गए तारीख, कोई भी डेट का सुझाव मिल गया, उस डेट पे क्या हो जाएगा, बैठक हो जाएगा। वैसे ही 6वां नवंबर महीने में, नवंबर माह, ये 6 बैठकें एकदम कंपलसरी है ग्राम सभा की, ठीक। क्या इसके बाद और बैठकें हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो याद रखना है बिल्कुल। और देखिए हेडिंग डालिए ग्राम सभा की अन्य बैठकें, इसके पश्चात, इसके पश्चात, ठीक है, अन्य बैठकें, पहला, अगर ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, ये सदस्य के एक तिहाई, अगर ग्राम सभा के कुल सदस्यों का, कुल का एक तिहाई यदि लिखित रूप से बैठक के लिए आवेदन दे तो ग्राम सभा के ही लोग होने चाहिए। कैसे लोग होने चाहिए, एक तिहाई लोग, ये लोग खुद चाहते हैं कि हाँ और बैठक हो जाए, भैया बड़ा मजा आता है बैठने में, ठीक है। तो एक तिहाई सदस्य जब चाहेंगे लिखित रूप से आवेदन देंगे, विहित प्राधिकारी, जिस प्राधिकारी कौन होगा मैं आगे बताऊंगा, बार बार आपको वर्ड मिलेगा विहित प्राधिकारी ऑफिसर, ठीक है। तो विहित प्राधिकारी के द्वारा 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, ये देखिए, अगर ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य के द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन होना आवश्यक है। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। उन 6 बैठकों के अलावा और बैठना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अगर लिखित रूप में अनुरोध करें, अनुरोध करना मतलब एप्लीकेशन देना,
ठीक है, तो 30 दिनों के भीतर इनकी क्या की जा सकती है, बैठक कराना आवश्यक होगा। एक दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष अगर चाहे कि ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए, कौन चाहेगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ये अगर चाहता है कि ग्राम सभा की बैठक हो, तो उसके आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का मीटिंग या ग्राम सभा का सम्मेलन या सम्मेलन फिर से बुलाया जा सकता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी अगर आदेश करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक होगी। जिला नेक्स्ट सेम वैसी जिला पंचायत का अध्यक्ष अगर चाहेगा तो उसके आदेश के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक होगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जनपद पंचायत का अध्यक्ष प्रेसिडेंट आपस जनपद पंचायत, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये दोनों भी अगर बोलें कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो इनके आदेश देने के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक क्या होगी, आयोजित होगी। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, ठीक है। जिला और अंतिम याद रखना है, अगर कलेक्टर भी आदेश करे तो कलेक्टर के आदेश के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक होगी। चार प्रकार से और बैठकें आयोजित हो सकती है। ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जब लिखित रूप में आवेदन दे दें कि हमको बैठक बैठना है, तो आवेदन के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक होगी। जनपद पंचायत का अध्यक्ष आदेश करे तो उसके आदेश के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक होगी। जिला पंचायत का अध्यक्ष आएगा तो उसके आदेश के 30 दिन के भीतर बैठक होगी, और कलेक्टर आदेश करे तो उसके भी आदेश के 30 दिन के भीतर क्या होगा, ग्राम सभा का बैठक होगा। ठीक है, ठीक, इतना याद रखना है। अब सब के सब आ गए, चलिए भैया ये वो स्थान है जहां पर बैठक होनी है, सब के सब आ गए, बैठक के लिए लोग आ गए। अब बैठक के लिए लोग आ गए हैं, बैठक होनी है, तो कोई जरूरी क्या बैठक हो ना हो, हाँ इसके लिए याद रखना है कुछ कंपलसरी बातें, जैसे गणपूर्ति आवश्यक है, गणपूर्ति इसको बोलते हैं कोरम, कोरम क्या बोला जाता है इसको, कोरम। ऐसा नहीं है जैसे आदेश हो गया, 7 दिन पहले सूचना दिया जाता है, अच्छा ये बताया हूं कि नहीं बताया हूं, 7 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है कि फलाना फलाना जगह पे तरिया पार में आज बैठना है, 7 दिन पहले पता चल गया, लेकिन 7 दिन बाद जब वहां पहुंचे लोग तो मीटिंग चालू होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कोरम पर। किस पर डिपेंड करता है, कोरम पर। अगर कोरम गणपूर्ति, पहले इसका परिभाषा लिखिए, सदस्यों की, किसकी, सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिससे सम्मेलन या बैठक प्रारंभ किया जा सके, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। कम से कम इतने लोग आएंगे तभी बैठक चालू होगा, यही क्या कहलाएगा, गणपूर्ति, यही क्या कहलाता है, गणपूर्ति। अब ये गणपूर्ति कहां कहां कितना कितना होता, देखो
ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। तो देखिए अपने पास क्या है, एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा। इसके बाद अपने पास अलग से बॉडी है, ग्राम पंचायत। इसके बाद अपने पास है जनपद पंचायत। इसके बाद अपने पास है जिला पंचायत। हर जगह पर बैठक होगी, ग्राम सभा का गांव में होगा, जनपद जिला सॉरी ग्राम पंचायत का पंचावत पंचायत भवन पे होगा, जनपद का अपने कार्यालय में होगा और जिला का अपने कार्यालय में। सब जगह बैठक होनी है, हर जगह गणपूर्ति होना है। तो गणपूर्ति ग्राम सभा में अपन दो प्रकार का ग्राम सभा पढ़े हैं, एक सामान्य क्षेत्र और एक अनुसूचित। जिससे अभी ध्यान देना है, मैं जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आए मैं डायरेक्ट पूछूंगा। तो ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है, कुल का 1/10। जितने भी गांव में ग्राम सभा के सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य आने पर ही ग्राम सभा की कार्यवाहियां वर्किंग या मीटिंग स्टार्ट होगा। मतलब एक ग्राम सभा में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो इसमें कम से कम उस ग्राम सभा के मीटिंग में कितने लोगों को आना जरूरी है। 1/10, कुल का 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, कितने लोगों को आना जरूरी है, 10 लोग आने से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और आगे कंडीशन बोलता है, इस 10 में, ठीक है, 1/10 का 1/3 महिला होना जरूरी है। एक बटे दस का 1/3, बोलने का मतलब यहां से क्या जाएगा, मतलब 1/10 मतलब अपने पास तो 10 आ गया था, 10/3 मतलब लगभग 3 महिला। लगभग कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं आएगी। 1/3 का 1/10 का 1/3, 1/10 किए तो कितने बचे, 10। इस 10 का 1/3, 1/3 महिला होना आवश्यक है। बातें हो रही है, मतलब उस 10 में 3 महिला होना, मैं क्या बोल रहा हूं, सामान्य क्षेत्रों में। सामान्य क्षेत्रों में अगर ग्राम पंचायत का, सामान्य क्षेत्रों में सॉरी ग्राम सभा का बैठक होना है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्राम पंचायत उस गांव में 100, अभी इसी ऐसी न्यूमेरिकल कैसे देता है व्यापम वाला, देखो। एक गांव की जनसंख्या दो, मतलब ग्राम सभा में रजिस्टर्ड लोग या उस ग्राम सभा में 200 में 200 लोग हैं, कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, उसमें से कितने लोगों के आने पर ग्राम सभा की बैठक प्रारंभ होगी, 20 आना जरूरी है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन क्या देता है, अगर 20 की 20 महिलाएं आ गई, ध्यान से सुनना टीना, 20 के 20 महिलाएं आ गई तो ग्राम सभा की बैठक होगी या नहीं होगी, बता, तेरे हिसाब से नहीं होगा, और कोई इसके हिसाब से होगा। अब मेरे को बताइए, जो 20 लोग आए ये ग्राम सभा के सदस्य हैं या नहीं है, चाहे महिला चाहे पुरुष। अब मेरे को बताओ, इस 20 में 1/3 महिला, 6 महिला है कि नहीं है, 6 महिला है कि नहीं है, मतलब होगा, चाहे 20 की 20 महिलाएं हो। लेकिन अगर 20 के 20 पुरुष हैं, 20 के 20 लड़के हैं, लोल पुरुष मतलब लोल, ये ग्राम सभा का बैठक हो गई नहीं, क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया देखो, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल, क्वेश्चन ऐसी पूछेगा, 15 पुरुष 5 महिलाएं, ग्राम सभा की बैठक होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक 1/3 महिलाएं नहीं आएगी ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी। सामान्य क्षेत्रों में बातें स्पष्ट हुई, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, केवल महिला महिला आने से हो जाएगा, लेकिन पुरुष पुरुष जानते हैं दिमाग ही नहीं है, कहां से कुछ हो पाएगा, महिलाओं का दिमाग होता है, तो उनके आने से मीटिंग हो जाएगा, लेकिन केवल पुरुष आने से मीटिंग, ध्यान से इन बातों को।
अब देखिए, अगर ये ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र का ना हो करके किस क्षेत्र में हो रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों पर, अगर यही बैठक अनुसूचित क्षेत्रों पे होगा तो यहाँ का कोरम याद रखना है बेटा एक तिहाई, कुल सदस्यों का एक तिहाई होता है। अभी कितना था ऊपर में कोरम सामान्य क्षेत्र में कितना था, 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में कोरम या गणपूर्ति कुल का कितना होता है, एक तिहाई। कुल का एक तिहाई कोरम, और इस एक तिहाई का एक तिहाई महिला आना जरूरी है, इसमें भी एक तिहाई महिला आवश्यक है। उसमें 1/10 का 1/3 महिला का आवश्यक था, इसमें एक तिहाई में एक तिहाई महिला का होना आवश्यक है, तब ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होगी। ठीक है, महिला वाला कॉन्सेप्ट दो ही में याद रखना, केवल किसमें याद रखना, ग्राम सभा, एक दस का एक तिहाई, एक तिहाई का एक तिहाई। अभी अच्छा लग रहा, जब पढ़ लोगे आगे ना टेंशन में आ जाओगे, किसका किसने पढ़ा था। ग्राम पंचायत कुल सदस्यों का 1/2, ग्राम पंचायत में कौन होगा पता है सदस्य, पंच और सरपंच और उप सरपंच, यही लोग बस बैठेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आके बैठ जाएगा। तो जब भी ग्राम पंचायत का मीटिंग होगा तो कितने लोग आएंगे, जितने पंच हैं, सरपंच है और एक को बना रहेंगे उप सरपंच, डिप्टी सरपंच, उतने ही लोग आएंगे, इसीलिए क्या हुआ उसका 1/2, 1/3 कुल सदस्यों का, 1/3 कुल सदस्यों का, बस टेंशन ग्राम सभा बस का है, 1/10 का एक तिहाई, एक तिहाई का एक तिहाई, 1/2, 1/3, 1/3, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, गणपूर्ति। अच्छा ये गणपूर्ति नहीं, ये देखिए गणपूर्ति, ये पहले ये हेडिंग डलवाया मैं, ये गणपूर्ति यहां पर ध्यान दो बस पहले, गणपूर्ति कोरम, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत कार्य शुरू कर किया जा सके उसे गणपूर्ति कहते हैं, कोरम। ठीक, आगे देखिए, कोरम के लिए उधर मत देखो, वह यही लिखा हुआ है, ग्राम सभा के केस में, किसके केस में, ग्राम सभा के केस में, ग्राम सभा के केस में, ग्राम सभा में दो क्षेत्र होते हैं, एक सामान्य क्षेत्र और एक अनुसूचित। सामान्य क्षेत्रों पर कुल सदस्यों का 1/10 ये होगा कोरम, जिसमें से 1/3 महिलाएं होना आवश्यक है। 1/10 में 1/3 क्या होना जरूरी है, लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, तो उनमें कुल सदस्यों का एक तिहाई में एक तिहाई महिला, पहले तो कोरम 1/3, 1/3 में भी क्या चाहिए आपको, 1/3 महिला। मतलब अगर किसी ग्राम पंचायत में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो ग्राम सभा की बैठक स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 33, और उसमें भी कितनी महिला होनी जरूरी, 33 में 11, 33 की 33 महिला आ जाएगी तो ग्राम पंचायत की बैठक होगी कि नहीं होगी, राजेश ये बता, होगा, क्योंकि 11 महिलाओं से मतलब था, 33 महिला भी चलेगी लेकिन मिनिमम 11 महिला होनी जरूरी। ये हो गया किसकी बात, ग्राम सभा की बात। अब आप आ जाओ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बैठकों में कुल सदस्यों का 1/2, जनपद में 1/3 कुल सदस्यों का, और जिला में भी कुल सदस्यों का 1/3। ठीक है, ये हो गया गणपूर्ति, इतने लोग आएंगे तो मीटिंग चालू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ये गणपूर्ति जुगाड़ने की जिम्मेदारी, लिखिए नोट करके नीचे, गणपूर्ति जुगाड़ने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच का होता है, गणपूर्ति जुगाड़ने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच का होता है। पंच और सरपंच का ही क्यों होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को जनता ने डायरेक्ट चुना है,
आप उप सरपंच का जाके चुनाव का वोट नहीं देते हो, आप क्या देते हो, एक वार्ड में पंच का और उसी पर्ची में रहेगा सरपंच का, एक रहेगा जनपद का और एक रहेगा जिला का। चार वोट दे के आओगे आप, एक पर्ची में चार वोट। जो पंचायत चुनाव कभी जीवन में दिया वो जानता है, जिस दिन जाएगा वो चार ठो वोट देता है, चार ठो। पहला वोट देगा जिस वार्ड का है, उस वार्ड के पंच का। वार्डों से मिलकर बना रहेगा ग्राम पंचायत, तो सरपंच का। वो ग्राम पंचायत किसी न किसी जनपद का हिस्सा होगा, तो जनपद सदस्य का। वो जनपद किसी न किसी जिला के भीतर होगा, तो जिला सदस्य का। चार वोट दे के आओगे एक बार में, ऐसा लगेगा चुनाव दिए हैं, ठीक है। हाँ, भारी भर कम अगर मान लीजिए गणपूर्ति नहीं जुगाड़ पाए, बोले गणपूर्ति होगा तभी बैठक होगा। अगर मान लीजिए गणपूर्ति नहीं जुगड़ा, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? पंच और सरपंच की। अपन गणपूर्ति, देखो हेडिंग डालिए, गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही। गणपूर्ति ना मिलने पर कौन सा कार्यवाही होता है? मात्र और मात्र स्थगन होता है, एडजोर्नमेंट। गणपूर्ति ना मिलने पर, अब गणपूर्ति नहीं हुआ तो क्या होता है? जो मीटिंग होने वाला है उसका हो जाता है स्थगन। इसके लिए वर्ड है इंग्लिश में एडजोर्नमेंट, स्थगन, स्थगित, पोस्टपोन। नाम सुने हो? स्थगन, स्थगित कर दिए। अरे भाई क्यों आए नहीं? भाई बुलाए थे बैठेंगे बोल के, कोई आया ही नहीं, तो क्या कर दिया गया? अब मेरे को बताओ, स्थगन करने का अधिकार किसको होता है? कोई भी कर सकता है कि जो अध्यक्षता करेगा वो? तो याद रखना है, स्थगन का अधिकार केवल केवल और केवल अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष कौन सा अध्यक्ष? इस मीटिंग को जो अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आया ना? तो स्थगन का अधिकार किसको होता है? इसी को स्पीकर बोल देते हैं अपन, ठीक है। केवल किसको होता है? अध्यक्ष को। स्थगित कर दिया, स्थगित जिस दिन कर जैसे करेगा आपको फिर से क्या बताएगा वो? किस तारीख को, डेट। ये जो स्थगित हुआ है आज का, जो बैठक स्थगित हुआ है, ये वापस कब से होगा उसी को बोलते हैं आगामी। डेट बताएगा, प्लेस बताएगा, प्लेस बताएगा और आपको बताएगा समय। इसी दिन इसकी घोषणा कर देगा, फलाना फलाना डेट को फलाना फलाना जगह में इस समय अपने को क्या करना है, ये जो बैठक स्थगित हुआ है इसको वहीं से प्रारंभ करना है। चलिए, अब वो डेट आ गया, जो स्थगित किए थे वो डेट आ गया, अब क्या होगा? तो याद रखना है, जो स्थगित हो चुका है, स्थगित बैठकों में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब गणपूर्ति से कोई लेना देना नहीं, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होता, अब गणपूर्ति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेकिन पांच विषय, पांच सब्जेक्ट पर इस मीटिंग में चर्चा नहीं होगी, इस सम्मेलन में कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये पांच विषय कौन सा है? पहला लिखिए, वार्षिक कार्य योजना। एनुअल वर्किंग प्लान,
दूसरा हितग्राहियों का चयन, बेनिफिशर्स किनका चयन करना, टू चूज बेनिफिशर्स, ठीक है, बेनिफिशर्स जो बेनिफिट उठाते हैं, हितग्राही, ठीक। तीसरा वार्षिक बजट, अरे हर साल क्या बनेगा पंचायत के लिए, बजट, वार्षिक लेखा एवं सब परीक्षा, ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक लेखा एवं सम परीक्षा, ऑडिट रिपोर्ट, और पांचवा प्रशासनिक रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। इन पांच पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये कैसा बैठक है, स्थगन के बाद हो रहा है। आपको याद रखना है, देखो अगर कोरम पूर्ति नहीं हुआ, कोरम पूर्ति नहीं हुआ तो जो अध्यक्षता कर रहा है वो उसको स्थगित कर देगा, उसी को बोलते हैं एडजोरमेंट ऑफ अ सेशन, ठीक है, उसको स्थगित कर दिया। जिस दिन स्थगित करेगा, स्थगन करने का अधिकार केवल और केवल उस अध्यक्ष को होता है, चाहे यहाँ का बात करो चाहे लोकसभा स्पीकर की बात करिए, ठीक है, केवल और केवल किसको होता है, स्पीकर को, ठीक है, लोकसभा, बाकी हर चीज अधिकार राष्ट्रपति को दे, लेकिन स्थगन नहीं कर सकता, स्थगन का अधिकार केवल और केवल स्पीकर का होता है, ओके। तो ये भी, लेकिन स्थगन करेगा तो ये बताएगा कि फलाना तारीख को फलाना जगह में फलाना समय में क्या होगा, फिर से बैठक होगा, स्थगित वाला बैठक होगा। लेकिन अब जब स्थगित वाला बैठक होता है तो इसमें फिर से गणपूर्ति गिनेंगे क्या, फिर तीन जना है, आप क्या करें, नहीं भैया बार बार स्थगित नहीं करना है, इसको चालू रखो आप। तो स्थगित हुए बैठक में फिर से कोरम का कोई लेना देना नहीं। अब कितने जन भी आए, अकेला दो जन आए हैं फरफटी में, यू नो दैट फरफटी बाइक, फरफटी में दो जन आए तो भी बैठक हो जाएगा, जाओ, क्योंकि यहां पर कोरम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पांच विषयों पर चर्चा नहीं होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचों विषय हैं, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, पहले से बता दे रहा हूं मैं, ये आपको मिलेगा परीक्षाओं में हमेशा। ये पांच विषय कौन सा है, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक कार्य योजना, एनुअल वर्क रिपोर्ट, दूसरा हितग्राहियों का चयन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियर्स। अब ये क्या होता है सर, देखो एक तो छोटा सा योजना बता रहा हूं, सरकार क्या कर रहा है, अभी जिनके पास घर नहीं है उनको घर देती है, ठीक है, उसको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ देता है, अरे देता है या नहीं देता है, देता है 1.5-2 लाख रुपए देता है घर बनाने के लिए। अब एकदम कोई आदमी सच में जिसको जरूरत है उनका चयन करना, एकदम अंतिम व्यक्ति, गांव का एकदम गरीब, ऐसे घर वर नहीं है, छानी खपरा में ऐसे एकदम टाइप कर रह रहा है, उसका चयन करना ही क्या कहलाता है, हितग्राहियों का चयन। आप बड़ा सा बिल्डिंग, राजा महाराजा माहौल घर दे, आते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। अभी आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना चलती है, जैसे जनरल आदमी को भी राशन कार्ड मिलता है, 10 रुपए किलो चावल मिल रहा है ना, मिल रहा है, इससे सस्ता क्या होगा, मार्केट में तो नहीं है 10 रुपए किलो में चावल, जाओगे तो मिनिमम चावल कहां से चालू होता है, 30 रुपए से चालू होता है, वही आपका 10 का चावल 30 में देता है, वही चावल तो है, पलट के मिल जाएगा, 10 रुपए में मिल रहा ना भाई, आदमी जी लेगा। तो इतने गांव तरफ जाए ना, मोला अंत्योदय कार्ड बना के दे, मैं नहीं जाना हो, वो बेचारा किसके लिए है वो योजना है,
अंतिम व्यक्ति जिसको जिसका हक है उन्हीं का चयन करना क्या कहलाता है? हितग्राहियों का चयन। आप उस दिन जाके दो जन बैठ के टक टक ठीक नहीं मार दोगे भैया, समझ में आ रहा बात? वार्षिक बजट पता चल रहा, बजट बना डाले बैठ के दो जन, नहीं कर सकते आप ऐसा। एक नोट करके लास्ट में और लिखो, ग्राम पंचायत का बजट, काय का बजट, ग्राम पंचायत का बजट केवल और केवल ग्राम सभा की सामान्य बैठक में बनेगी, केवल और केवल सामान्य बैठक में ही बनेगा। ग्राम सभा सॉरी ग्राम पंचायत का जो बजट होगा केवल और केवल, ध्यान से याद रखना है, ग्राम सभा की सामान्य बैठक पर बनता है। चलिए अब अपन स्लाइड में आ जाते हैं, ये क्या क्या लिखता है देखिए। गणपूर्ति ना होने पर एडजोर्नमेंट स्थगन, गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा स्थगन। स्थगन करने का अधिकार केवल आपको याद रखना है अध्यक्ष को होता है, ये बता दिया मैं। और अगर स्थगित को, ये देखो, कोरम पूर्ति नहीं होने पर अध्यक्ष द्वारा बैठक को क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन या स्थगित कर दिया जाता है, और आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित किया जाता है। इसी समय बताएगा किस तारीख को कितने समय कहां बैठना है, ये भी हो गया। लेकिन जब स्थगन के बाद बैठक होता है तो वहां पर कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, कोरम से कोई लेना देना नहीं, काम मुस्कुरा रहा है, जाके YouTube में देना, देखना तेरा नाम आएगा ऐसे ही लोल। इसके अलावा किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगा, नया विषय नहीं, ये पांच विषय पर तो बिल्कुल चर्चा नहीं होगा। कितने विषय पर? पांच विषयों पर तो किसी प्रकार। पहला, वार्षिक कार्य योजना, ईयरली वर्क रिपोर्ट, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा एवं सब परीक्षा, इसी को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और पांचवा याद रखना है, प्रशासनिक रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, प्रशासन से कोई रिपोर्ट आया है। एकदम नोट करके याद रखना इस पॉइंट को, ग्राम सभा की साधारण बैठक ऑर्डिनरी मीटिंग में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ठीक है। चलिए, ऑर्डिनरी बैठक मतलब तो छह बार बैठक होती, याद है, छह बार बैठक होती है, वही बैठकें कैसी है इसकी, सामान्य बैठकें, वही क्या है इनकी, सामान्य बैठक। विशेष बैठक कौन सा होगा, जो एक बटे तीन, मैं आपको बताया ना, एक बटे तीन सदस्य विशेष तौर पर आग्रह करके बुलाएंगे, जनपद पंचायत का अध्यक्ष 30 दिन के भीतर बैठेगा, जिला का अध्यक्ष बोल देगा तो 30 दिन के भीतर बैठेगा, कलेक्टर बोलेगा तो 30 दिन, ये विशेष बैठक होगा। सामान्य बैठक केवल कौन से है, छह, सामान्य बैठक कौन सी, केवल, ओके। अब मान लीजिए एक बात और याद रखना है, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, देखो जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बार गणपूर्ति नहीं जुगाड़ पाया, ठीक है, दो बार गणपूर्ति नहीं जुगाड़ पाया, ठीक है, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा भाई, इसीलिए तो सरपंच और सरपंच को चुने क्या कि बैठक सुचारू रूप से चले, ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम सभा के कार्य चलते रहे। तो देखिए, अगर हेडिंग डालिए गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही, गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही, गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही, प्रोसाइड्स इफ कोरम इज नॉट फिल्ड, ठीक है, अगर गणपूर्ति नहीं हो पाया तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट। ऐसा नहीं है, इस बार गणपूर्ति नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आज गणपूर्ति नहीं जुगाड़ा तो इसी को क्या करते हैं, स्थगित कर दिए, फिर बैठ गए, और मन किया फिर गणपूर्ति नहीं जुगड़ा, फिर स्थगित कर दिए, फिर बैठ गए। लेकिन ऐसा बार बार नहीं करोगे, मतलब लगातार लिखते जाना, लगातार तीन बैठक,
लगातार तीन बैठकों तक तुम लोग इसी को देख के, अच्छा चलो, लगातार तीन बैठक तक यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती, ऐसा लिखना, लगातार तीन ठो बैठक हो गया और तीनों बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ, ठीक है, तो संबंधित पंच या सरपंच को पंच तो कम, बेचारा सरपंच ज्यादा, लगातार तीन बैठकों में यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो संबंधित पंच या सरपंच को आगामी दो बैठकों में गणपूर्ति जुटाने का नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस देंगे भाई, दो बैठक और देखेंगे तेरे को कि दो बैठक में तू क्या जुगाड़ ले, कोरम या गणपूर्ति जुगाड़ ले। अगर तू दो बैठकों में गणपूर्ति नहीं जुगाड़ पाया, यदि वह आगामी दो बैठकों में गणपूर्ति नहीं जुगाड़ पाता है, गणपूर्ति पूरी नहीं कर पाया, तो उसे उसके पद से डिसमिस या उसे उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, तो उसे उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मौका देते हैं भाई, तीन लगातार तीन बैठक हुआ, तीनों बैठक में उसके पास क्या नहीं मिल पाया, कोरम पूर्ति नहीं कर पाया, तीनों बार उसकी बैठकों को स्थगित कर रहे हैं, जाके फिर बैठक में दो जन काम कर ले रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? तो जब लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति ना जुगाड़ पाए तो संबंधित पंच और सरपंच को एक नोटिस जारी होता है कि दो मौका और है तेरे पास, किसी भी तरह से क्या जुगाड़ ले, गणपूर्ति जुगाड़ ले। अगर तू गणपूर्ति जुगाड़ लिया, चाहे बोकरा खवा के चाहे किसी भी, तो कैसे करेगा, मजबूरी है, आहू भाई आहू बोकरा मारू मैं यहाँ, एक दिन पहले दबा सबको खवाया, आना आना आना, ठीक है मेरे मामा के शादी में दलूल दलूल आना, ऐसे करके तो, अरे कार्ड छपता है ना सबके पास, मौका अभी तो वो भी चल रहा है, सीजन भी चल रहा है बिहार का, वैसे ही वो भी उसको भी मौका दिया जाता है, दो दो बार तरह तरह से प्रलोभन देगा लोगों को, अरे ऐसा होगा ऐसा होगा तो पार्टी में तो आ, लेकिन लोग प्रलोभन में नहीं आए, कोई नहीं गया, एक बार हो गया, दूसरे बार उसका प्राण निकल गया, अरे बाप रे आखिरी मौका है अब कैसे करें, और प्रलोभन दिया, लेकिन लोग तो कसम खा के बैठे इसको हटाना है भैया, और कोई नहीं गया, ये दो मौका खत्म हो गया, तब क्या किया जाएगा, इसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, दूसरा पॉइंट। लेकिन कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले उसे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, संबंधित पंच या सरपंच को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा।
या ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक उसको अपना पक्ष रखने का, ठीक है, अपना पक्ष रखने का अवसर ना दिया जाए। देखो स्लाइड में क्या बोलता, देखिए पहला बात बोलता है ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में कर्ण पूर्ति ना होने पर संबंधित पंच सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा कि 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा, फिर भी यदि कोरम पूरा ना कर पाए तो उसे पद से हटाना, डिसमिस करने की कार्यवाही की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा किसी भी अधिकारी के द्वारा सरपंच के खिलाफ आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना दे दे सुनवाई का। भाई साहब आप अपना पक्ष रखिए, नहीं साहब जानबूझ के मोर गांव वाले मन मोल ले चिड़ते, मैं बने वाले आदमी हूँ साहब, मैं पूरा अच्छा काम करता हूँ तबो मोर काम अच्छा निका है, और जानबूझ के मोल हटाए बनना कोनो नहीं आते, अपना वो सुना लिया मौका मिल गया। लेकिन अगर उस अधिकारी को लग गया ना बाबा ये दोषी है, सरपंच वाज गिल्टी, उस अधिकारी को समझ में आ गया ना, नहीं ये कहानी गड़ रहा है बाबू रे, गलती इसी की है। जब ये देखो अब सुनवाई हो गया, संबंधित पदाधिकारी सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जहां वो अपना स्पष्टीकरण क्लियरिफिकेशन रखेगा, लेकिन उसके बाद भी यदि वो दोषी पाया जाता है, कौन, पंच या सरपंच, तो उसे निष्कासन कर दिया जाएगा, जो ही क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका है या सर्वमान्य तरीका है, लीगल तरीका यही होता है कि उसको क्या कर दिया जाए, राइट टू सस्पेंड, या क्या कर दिया जाए उसका, उसको डिसमिस कर देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर वो दोषी पाया गया तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण। ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण, सुपरविजन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्राम सभा, सुपरविजन ऑफ अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स, उसका क्या करना, निरीक्षण, सुपरविजन। देखिए मैं जो इधर इसकी बातें बात तभी समझ में आएगा जब मेरी बात समझ में आएगी। आज ग्राम सभा का बैठक था, ग्राम सभा के सरकारी स्कूल के लिए इतना चेयर आया, इतना ये आया, इतना गांव के लिए इतना ये आया, इतना ये, एक तो पूरा ऐसा लिस्ट बना के खर्चा का ला लिए। उस दिन अपना बिल्लू गया था कहां, ससुराल, बिल्लू उस दिन था ही नहीं ग्राम सभा के मीटिंग में, बिल्लू कहां गया था, ससुराल। अब बिल्लू पहुंचा शाम को और ग्राम सभा का बैठक समाप्त हो चुका था और ये बता दिया गया पंचायत के द्वारा कि ये खर्चा हुआ है। बिल्लू आया, बिल्लू बताया ऐसा ऐसा, बिल्लू कसम से कत-कत दिल देरी तो पता है, बिल्लू का माथा ठनका का करे जाए क्या करा जाए। तो बिल्लू जब चाहेगा तब, लेकिन इन अ वर्किंग पीरियड, ग्राम पंचायत के कार्यालयीन समय में, जब ग्राम पंच, ऐसा नहीं 12 बजे खटखट आ रहा है सरपंच देखा मोला, ऐसा कुछ नहीं, तो ग्राम पंचायत के मतलब ग्राम पंचायत कार्यालयीन समय में, ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य किसी भी दस्तावेज को क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है, किसी भी किसका अभिलेख, ये अधिकार है हर ग्राम सभा के निवासी का, ठीक है, हर व्यक्ति। देखो ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान
निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा ले ये बताओ मेरे को, लेकिन अगर वो निरीक्षण बस कर सकता है ना, उसको चेंज हो गया वो चीज, हाँ का भर गए रे बिल्लू का बता दे भाई, मछली मारे रे ससुर हा। ठीक, गांव का आदमी मस्त रहता है, बुलाओ बस चुपचाप, एक नहीं दो जन मस्त फरफटी बैठेंगे पहुंच जाएंगे। ठीक, अरे बाइक मेरे, मैं कौन सा बूझ मार से नहीं आया हूं, ठीक है ना, हाँ मस्त पहुंच जाएंगे दो जन, हाँ ठीक। लेकिन शहर का आदमी ऐसे फूफा टाइप का मुंह फुलाए रहेगा, मौला नहीं पूछा है, मौला नहीं बुलाए, ये गांव ये शहर का आदमी फूफा, दुनिया में सबसे मस्त रोल अदा करता है कौन, फूफा। चलिए कोई भी बात होगा, ये नेक्स्ट सेटिंग डालिए, बहुमत द्वारा निश्चयन, डिसीजन विथ मेजॉरिटी, डिसीजन बाय मेजॉरिटी, बहुमत के द्वारा ही ग्राम सभा में किसी भी विषय का, किसके द्वारा, ग्राम सभा में उपस्थित किए गए समस्त विषय सदस्यों के बहुमत से ही क्या किया जाते हैं, निश्चित होता है। कैसे, तुम लोग तो भका भक उतारे भर पड़े हो, हाँ बातें नहीं सुन रहे, बस मुड़ी गड़ी आए एक सूत्री लिखना चालू, पहले ध्यान से बातें सुनना है, वो ऐसी याद हो जाएगा। मेजॉरिटी से किसी भी विषय का, किसी भी विषय का फैसला कैसे होगा, मेजॉरिटी से, आपस में चर्चा कर लिए, चर्चा करने के पश्चात, चर्चा किए किसी बात का, चर्चा करने के बाद क्या होता है, वोटिंग होता है, हैंड सब हाथ उठाकर, ठीक है अप हैंड। अगर किसी निर्णय पर मान लीजिए बोले हम अल्लाह का बनाना है एक ठोक स्कूल के लिए प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, छोटे बच्चों के खेल का मैदान बनाना है, ये मुद्दा है, तो इसके लिए होगा क्या, चर्चा होगी, चर्चा के बाद क्या होगा, अरे बहुमत है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, जब तक क्या नहीं होगा, मतदान, ऐसी नॉर्मली हाथ उठा के। तो मान लीजिए यहां पर 100 लोग थे, 50 लोग चाहते हैं कि बने और 50 लोग चाहते हैं कि नहीं बने, अब तो फैसला मेजॉरिटी में नहीं है, तो इसकी जो अध्यक्षता करता है अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा, निर्णायक मत कोई क्या बोलते हैं, डीसीसी वोट, जिससे डिसीजन लिया जा सके, अध्यक्ष क्या देगा अपना, अगर ये मान लीजिए यस वाला है और ये नहीं वाला है, वो जिधर वोट दिया मतलब इधर वोट दिया तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा, अगर ये इधर वोट दिया तो ये क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है, केवल और केवल अध्यक्ष, ठीक है। और हर विषय का फैसला पंचायत में कैसे होता है, बहुमत के आधार पर, किसके आधार पर होता है, बाय मेजॉरिटी। अब लिख ले, ग्राम सभा की बैठकों में लाए गए समस्त सब्जेक्ट, समस्त विषय, उपस्थित सदस्य, अब ये नहीं है जो नहीं है वो भी, उसका भी मत फोन, उसको फोन लगा पूछेंगे तू किधर है, अंदर है बाहर है, है ना, हाँ अरे यस के तरफ है कि नो के तरफ, तो वो बताएगा, ऐसा तो नहीं है कि फोन, तो उस समय तत्समय मौजूद एट प्रेजेंट जितने मेंबर रहेंगे उतने में ही हाथ उठाकर मतदान कराया जाएगा। राइजिंग द हैंड्स, हाथ उठाकर, और जिसको बाकी लोग कैसे मना करें, हाथ नहीं उठाएगा, ठीक है, जो हाथ नहीं उठाएगा वो विपक्ष में, लेकिन अगर एक विवाद ऐसा उठ गया, देखो सेकंड पॉइंट इसी में देखना, अगर एक विवाद ऐसा उठ गया जिसमें कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं है, मुद्दा देखो क्या है,
क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखना। क्या मुद्दा उठ गया कि ग्राम सभा में एक आदमी को चुन लिया गया, जैसे मान लिया वो अपना बिल्लू, बिल्लू को बोले ये वोट नहीं देगा, बिल्लू टेंशन में आ गया, मैं वोट कैसे नहीं दूंगा। तो भैया बोल दिया गया बिल्लू वोट नहीं देगा, तो इसका मतलब ये बिल्लू वोट नहीं देगा ऐसा नहीं है। अब अध्यक्ष क्या करेगा, इसका फैसला करेगा, कैसे करेगा, मन मर्जी नहीं करेगा। मेरा अध्यक्ष का मन होगा तो बिल्लू वोट देगा, अध्यक्ष का मन नहीं होगा तो बिल्लू वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले किस दस्तावेज को खोजा जाएगा जिससे ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं, वो दस्तावेज कौन सा है, उस गांव का निर्वाचन लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट। पहले सबसे पहले इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाएगा, क्या बिल्लू है, यस बिल्लू है, मतलब बिल्लू क्या होगा, ग्राम सभा का क्या होगा, सदस्य। देखो तो मतदाताओं की सूची में प्रविष्टियों को ध्यान में रखकर अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा उसका निश्चयन किया जाएगा, और उसके द्वारा जो निश्चयन किया जाएगा वो अंतिम होगा, फाइनल। यहीं तक बस लिखना है, आगे नहीं लिखना है। अगर किसी व्यक्ति को मतदान का हकदार है या नहीं है, कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं है, इस बात का क्या करना है, अपने को निश्चयन करना है। तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति किन प्रविष्टियों को देखकर, मतदाता सूची, इलेक्टोरल लिस्ट, इसकी प्रविष्टियों में देखेगा, कहां है बिल्लू, हाँ दिख गया बिल्लू, अब बिल्लू क्या हो गया, ग्राम सभा का सदस्य, मतलब वो वोट देगा, या अगर उसमें नाम नहीं है बिल्लू का तो बिल्लू वोट नहीं देगा। और ये फैसला कौन करेगा, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, और अध्यक्ष एक बार बोल दिया वो फाइनल और अंतिम होगा, वही फाइनल और अंतिम होगा। कार्यवृत्त पुस्तक, हेडिंग डालिए कार्यवृत्त पुस्तक, प्रोटोकॉल बुक, अंग्रेजों इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बुक। प्रोटोकॉल बुक देखिए, पहले मेरी बात सुन उधर समझ में आ ही जाएगा, उसके बाद इतना ऐसा ऐसा कार्यवृत्त, कार्यवाहियां, अभिलेख, तुम्हारे समझ से परे का बात है ये सब, इतना डीप हिंदी में लिखा है, मेरी बात समझो, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ग्राम सभा का जब भी कोई बैठक होगा, क्या होगा, जब भी कोई बैठक होगा तो ग्राम सभा का बैठक होगा या ग्राम पंचायत का बैठक होगा, अध्यक्षता कौन करेगा, हमेशा सरपंच। सामान्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हमेशा अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच। अब देखो बैठक में क्या क्या मुद्दे पर बात हो रहा है, बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हो रहा है, इसको ना जो सचिव है ग्राम पंचायत का सचिव, ये ना संलग्न प्रारूप दो, फॉर्मेट टू संलग्न प्रारूप दो, इसमें एक जगह ऐसे रटपट रटपट एंट्री करते जा रहा है, हाँ गौठान बनाना है, गौठान के लिए खर्चा, हाँ ठीक है, तरिया पार को ये पूरा तरिया का पूरा गहरीकरण और ये मुरुम बिछाना, हाँ ठीक, ये वाले में नालियों का ये करना है, ये पूरा ऐसा एक जगह लिखते जा रहा है, बुक डायरी होगा, डायरी नाम क्या है उसका, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रोटोकॉल बुक क्या बोलते हैं उसी को अपन, ये लिखा, लिख लिया, अब बैठक हो गई, अब अंतिम में क्या करेगा, जो अध्यक्षता कर रहा है उसको पढ़वाएगा, देख भाई तू यही बात किया है कि नहीं किया है। अब अध्यक्ष का अध्यक्षता करने वाला जो सरपंच है उसको जो अभी जो मीटिंग में बात हुई है उसका पूरा वेरिफिकेशन करेगा, हाँ ये वाला, हाँ गहरीकरण वाला बात, हाँ हुआ था, ये गौठान वाला बात, हाँ ये भी हुआ था, ये अच्छा नालियों वाला बात हुआ था, पूरा ठीक है, तो इसका पूरा वेरीफाई कर लेगा, जो जो बात हुआ था वेरीफाई करने के पश्चात अंतिम में वो सिग्नेचर करेगा उसके ऊपर, ठीक है। हर एक बैठक का हर एक एक बात, जिन जिन बातों पर चर्चा हो रही है वो प्रोटोकॉल बुक में होगा, उस प्रोटोकॉल बुक को बाद में वेरीफाई कौन करेगा, सरपंच।
देख बेटा इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना कि कहीं इधर उधर सोचने का भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो सरपंच वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने के पश्चात ये हो गया। अब दूसरा स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप में बताया मैं हर एक को अपने डायरी में लिखते जाएगा, उसके लिए क्या है उसके पास फॉर्मेट नंबर टू, कौन से फॉर्मेट में लिख रहा है, दूसरे में, इसी को बोले संलग्न प्रारूप दो में, सबका एंट्री करते जा रहा है। अंतिम में लिखा जो जीत मीटिंग हो गया, अब अंतिम में सरपंच क्या किया, जो अध्यक्षता कर रहा था उसका वेरिफिकेशन किया, हाँ ओके है, अंतिम में ठीक है उसकी पुष्टि करता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, बैठक की जितनी भी कार्यवाही हुई उसके उसको सचिव के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। मान लीजिए भयंकर बड़ा भयंकर पढ़ा लिखा था, इंग्लिश मीडियम में अंग्रेज था, अब भकाभक लिखना था अंग्रेजी में लिख डाला, डीपनेस ऑफ पॉन्ड वोंड ऐसे करके गहरी कुएं है ना तालाब का गहरी अपने भाषा में लिख लिया उस समय जल्दी जल्दी में, अब उसको हिंदी में लिख, एक क्वेश्चन आएगा बैठकों की कार्यवाही ये देखो प्रोटोकॉल बुक में सचिव के द्वारा किस भाषा में लिखा जाएगा, हिंदी भाषा में लिखा जाएगा, ठीक। एक हेडिंग डालिए ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक काहे का ग्राम सभा का, ज्वाइंट सेशन ग्राम सभा का, ज्वाइंट सेशन ग्राम सभा का कैसा सेशन, संयुक्त बैठक, एक साथ दो अलग अलग ग्राम सभा बैठ गए ज्वाइंट सेशन, क्यों, एक बोल रहा है मोर गांव रास्ता जाही ठीक नहीं हुई और दूसरा बोल रहा है यहीं से रास्ता जाएगा तब हमारा गांव पार, अरे देखो किसी बात पर विवाद हो गया, एक दो ऐसे करके गांव है, कुछ गांव है, अब एक तो रोड पारित हुआ ऐसे जाना था उसको, ऐसे जाना है, अब इसमें किसी का खेत वेत पड़ रहा है तो ये गांव वाले के ग्राम सभा वाले बोल रहे हैं हमार डाल ले ये रोड नहीं जाएगा, यहाँ रोड नहीं बनेगा कहीं और से बनाओ, लेकिन ये गांव वाला बोल रहा है भाई ये शहर हमको जाना है तो हम कैसे, हमारे लिए तो यही ठीक है ना यार, आप तुम हमको ऐसे जाने बोलोगे तो गलत है, तो ये दोनों के बीच में विवाद हो गया, इस ग्राम सभा और इस ग्राम सभा के बीच क्या हो गया विवाद, डिस्प्यूट, क्या हो गया विवाद। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो दो ग्राम सभा के बीच क्या हो जाए विवाद हो जाए, तो इसका फैसला लिया जाता है संयुक्त बैठक से। इसके लिए क्या बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन, ग्राम सभा का संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक नहीं, आर्टिकल 108 पहुंच गया उधर, संयुक्त अधिवेशन 108 पहुंच गया उधर, उधर नहीं जाना यही रहना है। हाँ, अगर देखो ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में मतभेद हो जाए तो इस मतभेद का फैसला संयुक्त अधिवेशन करके लिया, संयुक्त अधिवेशन से दूर किया जाता है या इसका फैसला संयुक्त अधिवेशन से होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, संयुक्त अधिवेशन के द्वारा लिया गया निर्णय, संयुक्त अधिवेशन के पश्चात कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा, संयुक्त अधिवेशन के बाद लिया गया निर्णय दोनों ग्राम सभाओं के निर्णय, ऐसा माना जाता है कि दोनों ग्राम सभा का डिसीजन है। दोनों ग्राम सभाओं का क्या है ये निर्णय है। लास्ट हेडिंग डालिए पंचायतों में मतभेद, डिस्प्यूट ऑफ पंचायत, पंचायतों में मतभेद। अच्छा एक क्वेश्चन इससे पूछा था, देख संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन में जो मतभेद है इसे कौन दूर करता है, एक पहला ऑप्शन था सरपंच, दूसरा ऑप्शन था जनपद का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन था जिला का अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन था कलेक्टर, कोई नहीं, ग्राम सभा में संयुक्त अधिवेशन बुलाकर ही दो ग्राम सभाओं के बीच मतभेद को दूर किया जाएगा। आंसर क्या आएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, ना कोई सरपंच, और संयुक्त अधिवेशन में याद रखना कोई अर्पण सरपंच भी अध्यक्षता नहीं करेगा,
वो सब आगे अपन अभी अभी डिटेल में जाना है इसके। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, संयुक्त सम्मेलन में निर्णय किया जाएगा, ना कि कोई ग्राम पंचायत फैसला करेगा, ना जनपद, ना जिला, ना सरपंच, ठीक है, ये कोई फैसला नहीं करेगा। इनका फैसला किस में होगा? संयुक्त बैठक में। जो निर्णय लिया जाएगा ऐसा समझा जाएगा कि ग्राम सभा का निर्णय है, दोनों गांव का निर्णय है। अच्छा, स्थानीय निकायों के मध्य विवाद, अगर हेडिंग डालिए भिन्न भिन्न स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज के बीच अगर विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसका फैसला कैसे किया जाएगा? पहला, यदि पहला लिखिए, यदि दो ग्राम पंचायत, दो ग्राम सभा के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, तो ग्राम सभा के बीच मतभेद होने पर, दो ग्राम सभा के बीच मतभेद होने पर फैसला कैसे लिया जाएगा? संयुक्त बैठक से, संयुक्त सम्मेलन बुलाकर इस विवाद का निपटारा किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ ग्राम सभा, दो ग्राम सभाओं के बीच क्या हो गया? मतभेद। तब दूसरा लिखे, दो पंचायतों के बीच मतभेद हो जाए, दो पंचायतों के बीच मतभेद हो जाए, अलग अलग पंचायत हैं और दोनों के बीच क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, तो इसका निर्णय करेगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बीचों का जो मतभेद है, उसको दूर करेगा कौन? राज्य सरकार। और आखिरी तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा, यदि पंचायत और अन्य स्थानीय मतलब इसमें हो सकता है नगरी निकाय आ जाए, नगर पंचायत आ जाए, नगर निगम आ जाए, जनपद आ जाए, जिला आ जाए, कुछ भी आ जाए, अन्य स्थानीय निकाय के मध्य विवाद उत्पन्न होगा, तो इसका भी फैसला करेगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। इस पर भी फैसला कौन करेगा? राज्य सरकार। और ये तीन बार पूछा हुआ सवाल है, चौथा, ये चौथा पॉइंट, तीन बार पूछ चुका है, कितना प्रेम है इसको। यदि पंचायत और ग्राम पंचायत और छावनी बोर्ड, कैसा बोर्ड? छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट एरिया या कंटोनमेंट बोर्ड, इनके बीच में विवाद हो जाए, तो इस विवाद का निपटारा राज्य सरकार, इस विवाद का निपटारा राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुशंसा पर करेगा, करेगा राज्य सरकार, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा उसके अनुसार करेगा, ये याद रखना है। क्या बोला मैं? करेगा कौन? राज्य सरकार, लेकिन अप्रूवल किससे लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका निश्चयन करेगा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार से अनुमोदित के अधीन होगा, करेगा राज्य सरकार, लेकिन अनुमोदन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, तब इनके बीच का विवाद होगा। अब देखिए, एक इसके बाद अपने को चालू करना है, ये हो गया 243A। अब अपने को चालू करना है बी सी डी ई एफ, ऐसे चलना है कहां तक? ओ तक। इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है 2129, ठीक है, वो क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायत या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक, ये अलग टॉपिक।